बहुत अहम बात है डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, आपने बताई कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपने कई बातें बताई कि किस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन की आपने बात की, गुड हार्मोन रिलीज होता है। आपने ये भी बताया कि सोने से पहले किस तरह से 1 घंटा पहले जितनी भी स्क्रीन से उन्हें बंद कर देना चाहिए, उठने के बाद 1 घंटे तक उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने ये भी बताया कि डाइट का किस तरह से लिंक है हमारी मेंटल हेल्थ है। हम जैसा खाना खाते हैं उसका हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, तो हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ये सब खाना चाहिए। कई अहम बातें डॉक्टर आपने हमें बताई। इस बीच में ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि अगर बच्चों में भी अब ये जो पेंडेमिक है वो फैल रहा है, और अगर किसी बच्चे को ये पता चलता है कि उसको ये है, तो कई लोगों से मैंने ये बात सुनी कि बच्चों का एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनको ये डर, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उन तक गई कि उनको ये डर लगता है कि अब शायद हम नहीं बचेंगे। तो बच्चों के लिए आप किस तरह की काउंसलिंग देते हैं, किस तरह की सलाह देते हैं, कि क्योंकि बच्चे इस समय घर पर हैं और जिनको नहीं भी हुआ ये, लेकिन वो 1 साल से घर पर है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनकी मानसिक सेहत के लिए पेरेंट्स को या गार्जियंस को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात पूछी आपने। हमारे देश के जो बच्चे हैं, जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, उनकी इस समय रेशो करीब मेरा ख्याल है कि 45% है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये हमारे देश के 130 करोड़ लोगों में 45% लोग वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे की है, जो इस समय उनका पीरियड है, जो अपने दोस्तों में, स्कूलों में, खेल कूद के मैदानों में बीतना चाहिए था, वो घर के 2 कमरे में, 1 कमरे में, 3 कमरे में बंद होके रह गया। उनके पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, ये बहुत ही समस्या बन गई है। समझ में नहीं आता है कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। अभी जैसे हम सबने देखा कि 10th क्लास के एग्जाम कैंसिल हो गए, 12th के एग्जाम डेफर हो गए, और ये बड़ा, उसके जब तक कि डिसीजन नहीं हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहे कि हमारे आगे के साल का क्या होगा। तो एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और ये अब 1 साल से ज्यादा हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं गए जा पाए, तो ये, और ये एक बहुत अपने आप में एक समस्या है, कोविड या कोविड के बगैर भी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी कोविड हो रहा जी है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो उनके माँ बाप हैं, उनके अभिभावक हैं, वो पहले अपने आप को तैयार रखें कि अगर ऐसा होगा तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे। अगर उनको, भाई कोविड तो हो रहा है, डर भी लगता है, लेकिन बच्चों के सामने पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को ठीक रखें, डॉक्टर से सलाह लें, और वही बातें अपने बच्चों को समझाएं जिनको कोविड के लिए तैयार करना है या कोविड हो रहा है। ठीक है, तो उसमें बच्चा हर बात तो समझता भी नहीं है, लेकिन हर बात को छुपाने से भी और अवॉइड करना भी ठीक नहीं है। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, वो खुद वो सब भी टीवी में देखते हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, तो थोड़ी बहुत सही जानकारी उनको जरूर देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के आने वाले दिनों में जो हमारे इलाज संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम बहुत हो रही, पिछले दिनों में हो रही है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, मेरे को, हम आशा करते हैं हम सब कि उसमें स्थिति में सुधार होगा और बच्चों को भी ये सब इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो अभी इसी तरह ये बच्चों को भी समझाया जा सकता है।